चैनल S11 न्यूज, आवाज से अंजाम तक। नमस्कार दर्शकों, मैं गोकुल माली आप सभी दर्शकों का S11 डेली न्यूज में स्वागत करता हूँ। दादानगर हवेली साइली गांव पर पंचायत द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दादानगर हवेली स्थित साइली गांव पर पंचायत द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां पर वॉलीबॉल, रस्सी खेल, कोथड़ी कूद जैसे अन्य कई सारे खेल का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में 41 टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा जी, सरपंच गीताबेन मधुभाई पटेल, जिला पंचायत सदस्य विष्णु भाई एवं अन्य गणमान्य लोग खास तौर पर उपस्थित रहे। स्वागत करेंगे। दादानगर हवेली स्थित सिंधोनी गांव पर दादरा उप सरपंच कमलेश भाई देसाई जी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। दादानगर हवेली सिंधोनी गांव पर दादरा उप सरपंच कमलेश भाई देसाई जी द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका रविवार के रोज समापन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया था, जिसमें सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जीतने वाली टीम को कमलेश भाई देसाई जी ने अपने हाथों से जीतने वाली टीम को 11,000 रुपए और ट्रॉफी और रनर अप टीम को 5,000 और ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का सम्मान किया। और इस अवसर पर कमलेश भाई देसाई जी ने घोषणा की कि वे इस टूर्नामेंट का आयोजन हर साल करेंगे और इसी तरह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। सिलवासा SCL कमेटी एवं दादरा गांव में चल रहे टूर्नामेंट के फंड को अंधजन बच्चों को भेंट स्वरूप दिया जाएगा। दादानगर हवेली सिलवासा स्थित SCL कमेटी द्वारा अंधजन बच्चों को 11,000 रुपए भेंट स्वरूप दिया गया है, ताकि अंधजन बच्चों की भलाई के लिए पैसों का इस्तेमाल हो सके। तो वहीं दादरा गांव स्थित DPL टूर्नामेंट के मेंबरों द्वारा भी पिछले 2 सालों से यहां अंधजन बच्चों को मदद की जा रही है। दादानगर हवेली नरोली गांव स्थित स्कूल पर कराटा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम वितरित किया गया। दादानगर हवेली सिलवासा में पिछले गत दिनों से कराटा मास्टर राधा कृष्णन संशय जी द्वारा कैंप को चलाया जा रहा था, जिसका समापन कर नरोली स्थित स्कूल पर बच्चों को इनाम वितरित किया गया। दादानगर हवेली साइली गांव में साई बाबा मंदिर निर्माण कार्य जोरों से जारी। दादानगर हवेली साइली स्थित स्थानीय निवासियों द्वारा साई बाबा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी के अंतर्गत मधुभाई पटेल से हुई खास बातचीत।